हाय फ्रेंड्स, आई एम सुजीत कुमार एंड वेलकम्स बैक इन माय चैनल फाल्कन स्टडीज। सो आज दोस्तों मैं आपके सामने इकोनॉमिक्स का पार्ट 9 लेकर आया हूं। तो इसमें भी हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन का सीरीज है दोस्तों। तो हम फर्स्ट 8 पार्ट आपको ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, आज 9 पार्ट के साथ मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 11 से। टेम्पोररी टैक्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए, टेम्पोररी टैक्स लेविड टू ऑब्टेन एडिशनल रिवेन्यू इज कॉल्ड। कहने का मतलब है कि जो हमारा टेम्पोररी टैक्स जो लगाया जाता है एडिशनल रिवेन्यू के लिए, उसको क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है सेस, रेट, फी, सरचार्ज। तो इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों ये आपको सरचार्ज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं कि आखिर सरचार्ज होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए सरचार्ज इज एन एक्स्ट्रा फी। ये हमारा क्या है, एक एक्स्ट्रा फी होता है, ये हमारा एक्स्ट्रा फी होता है, चार्ज होता है, टैक्स होता है, जो कि आपको ऐड किया जाता है, ऐड ऑन द कॉस्ट ऑफ अ गुड और सर्विस, जो कि आपको गुड और सर्विस पे इसको चार्ज किया जाता है, ऐड किया जाता है, बियॉन्ड द इनिशियली कोटेड प्राइस। जो भी हमारा प्राइस मान लीजिए कि इसका 30 रुपया है, तो इसमें चार्ज करके उसको मान लीजिए 35 रुपीज हम क्या है बनाएंगे, तो जो 5 रुपया जो हमारा हो रहा है दिस इज कॉल्ड, यहाँ इसी को हम बोलते हैं आपको सर चार्ज, इसी को हम क्या बोलते हैं सर चार्ज। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हाँ यहाँ पे देखिए एक और जो टर्म जो है हमारा सेस। सेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए सेस इज अ टैक्स, ये भी एक तरीके का टैक्स है जो दैट इज इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान से देखिएगा कि ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज्ड किया जाता है फॉर अ पार्टिकुलर रीजन या पार्टिकुलर पर्पस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेस एक तरीके का टैक्स है जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको इम्पोज किया जाता है जो कि एक पार्टिकुलर रीजन के लिए होता है। इट इज इम्पोज बिफोर द गवर्नमेंट रिसीव सफिशियंट फंड फॉर दैट रीजन। गवर्नमेंट को सफिशियंट फंड मिलने के पहले इसको हम क्या करते हैं, इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको हम बताएं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, टैक्स विच इज पेड बाई द पर्सन, जो हमारा पर्सन के द्वारा पेड किया जाता है, हुम द टैक्स इज इंडिया, मतलब इनिशियली में पर्सन के द्वारा कौन सा टैक्स पे किया जाता है इंसिडेंट में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, मतलब डायरेक्ट टैक्स जो है वो हमारा पर्सन के द्वारा क्या है पे किया जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा क्या हुआ, सेल टैक्स होता है, पर यूनिट टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है। वैल्यू एडेड टैक्सेस मतलब जो भी सामान है उसके ऊपर जो हम एडिशन में जो हम टैक्स लगाते हैं उसको वैल्यू एडेड टैक्स। आज के डेट में वैल्यू एडेड टैक्स को ही क्या है उसको सबको हटाकर जीएसटी लगा दिया गया है, जो कि क्या है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक्साइज का बात करते हैं, कंजम्पशन टैक्स की बात करते हैं, टेरिफ का बात करते हैं, ये सब हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में ही आता है। जो कि हमारा गुड्स एंड सर्विसेज भी इसको क्या किया जाता है, इम्पोज किया जाता है, जो कि कस्टमर से के पास पहुंचने से पहले ये सब टैक्स को लगाया जाता है। इस तरीके के कैटेगरी में जो भी टैक्स होते हैं वो सब इनडायरेक्ट टैक्स के कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हमारा एक ऐसा टैक्स है जो पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन जो है ना पे डायरेक्टली करते हैं टू द एंटिटी। जैसे मान लीजिए जो भी हमारा टैक्स है, जो गवर्नमेंट जो हमारा टैक्स लगाती है, तो डायरेक्ट अगर लोग जो आदमी जो है पर्सन जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करती है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमारा कौन सा टैक्स इंक्लूड होता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, रियल प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, और टैक्सेस ऑन एसेट। जो भी हमारा एसेट का जो टैक्स जो आ जाता है वो सब हमारा डायरेक्ट टैक्स का ही एग्जाम्पल है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर्ड बाई, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, मतलब जो हमारा कंट्री है उसका जो हमारा ग्रोथ है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, उसको किस टर्म में हम मेजरमेंट करते हैं। ऑप्शन आपके पास है पर कैपिटा इनकम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन लिफ्टेड अबव द पॉवर्टी लाइन, नेशनल इनकम। तो आपको हम बता दें कि नेशनल इनकम इज द करेक्ट आंसर। तो जो हमारा कंट्री का कितना ग्रोथ हो रहा है वो आपको नेशनल इनकम से ही आपको पता चलता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज बता देना चाहते हैं, एक हमारा क्या होता है जीडीपी होता है, एक हमारा क्या होता है जीएनपी होता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है आपको बता, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है ना इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में जो भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इंडिया में जो भी लोग रह रहे हैं तो जो भी इनकम हो रहा है गवर्नमेंट को विद इन द बाउंड्री, कहने का मतलब है कि इंडिया का जो हमारा बाउंड्री है इसके विद इन जो भी लोग से गवर्नमेंट को इनकम हो रहा है वो सब हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाएगा। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या इंडिया है, लेकिन इंडिया के बाहर भी बहुत सारे जो भी कंट्री है वहां पे इंडिया के लोग क्या है वहां पे जाकर मतलब वहां पे कमा रहे हैं, पैसा वहां से लेकर आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को यहां से प्लस मतलब बाउंड्री के बाहर से भी जो इनकम होता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका आपका करेक्ट आंसर आपका नेशनल इनकम होगा। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन एन कंट्री, कहने का मतलब है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
जो कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, नेशनल इनकम से, पर कैपिटल इनकम, पॉवर्टी रेशियो, तो पर कैपिटल इनकम से हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दो तरीके का हमारा कंट्री हम आपको बताए थे, एक हमारा क्या होता है डेवलपिंग कंट्री होता है, एक हमारा क्या होता है डेवलपिंग कंट्री होता है, और एक हमारा होता है डेवलप्ड कंट्री होता है। आपको हम पहले हम बता चुके हैं डेवलप्ड कंट्री। तो यहां से हम बात करते हैं कि डेवलपिंग कंट्री जैसे हमारा क्या इंडिया हमारा क्या हुआ डेवलपिंग कंट्री हो गया, और डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएसए हमारा क्या हुआ डेवलप्ड कंट्री हो गया। तो इसमें जो हमारा पर कैपिटा इनकम इसका क्या होगा, पर कैपिटा इनकम जो होगा इसका हमारा क्या होगा हाई होगा, और इसका पर कैपिटा इनकम यहाँ पे क्या होगा इसका हमारा लो होगा। तो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे भी हम डेवलपिंग और क्या डेवलप्ड कंट्री को हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। Which is the best measure of economic growth of a country? कहने का मतलब है कि जो हमारा कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे सबसे बेस्ट मेजर कौन करता है, जीएनपी, जीडीपी, नेट रिवेन्यू। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बात करते हैं कि सिंस 1951, मतलब 1951 के बाद क्या हुआ कि इंडिया में, ऑप्शन पढ़िए, नेशनल इनकम हैज इंक्रीज्ड बट पर कैपिटल इनकम हैज डिक्रीज, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम है बोथ इंक्रीज फास्ट, नेशनल इनकम हैज इंक्रीज्ड एंड पर कैपिटल इनकम हैज आल्सो इंक्रीज्ड बट स्लोअर रेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब 1951 के बाद क्या हुआ कि नेशनल इनकम तो हमारा इंक्रीज हुआ लेकिन उस रेशियो में नहीं हो पाया, मतलब पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हुआ लेकिन स्लोअर रेट से ही वो हमारा इंक्रीज हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which of the following expenses do not require the sanction of a parliament? याद रखिएगा कि इसमें से कौन सा expenses जो है, कौन सा खर्चा जो है उसको require नहीं होता, मतलब parliament का मंजूरी का उसको जरूरत नहीं होता, इसमें से कौन सा expenses है। तो पहला क्या, salary and allowance of the president and CAG, debt charge of the government, defense expenditure, maintenance expenditure of the embassy। तो देखिए ये हमारा defense expenditure हो गया, maintenance एक्सपेंडिचर ऑफ एम्बेसी, इस सब का हमारा जरूरत होता है पार्लियामेंट का परमिशन का, लेकिन हमारा सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट, डेब्ट चार्जेस ऑफ द गवर्नमेंट, इन दोनों का परमिशन नहीं होता। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वंस द डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर पास्ड बाय द पार्लियामेंट, अ बिल टू ड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड इंडिया फॉर दिस पर्पस इज इंट्रोड्यूस, दिस बिल इज कॉल्ड, इसका आपका ऑप्शन है अप्रोप्रिएशन बिल। देखिए अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए अप्रोप्रिएशन बिल एक ऐसा बिल होता है ऑल्सो नोन एज द सप्लाई बिल, इसको हम क्या बोलते हैं सप्लाई बिल के नाम से भी जानते हैं या स्पेंडिंग बिल के नाम से भी जानते हैं। इज अ प्रोपोज्ड लॉ दैट ऑथराइजेज द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। ये देखिए एक तरीके से प्रोपोज्ड लॉ है जो कि गवर्नमेंट फंड का जो एक्सपेंडिचर है उसको क्या करता है ऑथराइज करता है। इट इज अ बिल दैट सेट मनी असाइड फॉर अ स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक स्पेंडिंग के लिए इस बिल को क्या किया जाता है सेट किया जाता है। अब यहाँ पे एक और बिल आपको आता है कि फाइनेंस बिल क्या होता है, तो फाइनेंस बिल के बारे में हम समझते हैं। फाइनेंस बिल इज अ बिल दैट इज द नेम सजेस्टेड कंसर्न द कंट्रीज फाइनेंस, कहने का मतलब फाइनेंस बिल नाम से ही पता चलता है जो कंट्री का जो फाइनेंस से रिलेटेड जो बिल होता है वो हमारा फाइनेंस बिल होता है। इट कुड बी अबाउट टैक्सेस, क्या हो सकता है टैक्सेस हो सकता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हो सकता है, गवर्नमेंट बोरोइंग हो सकता है, रिवेन्यू हो सकता है। सिंस द यूनियन बजट डिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा फाइनेंस बिल है उसको हमारा कौन डील करता है, यूनियन बजट उसको डील करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनी बिल। देखिए मनी बिल क्या होता है, याद रखिए एक दोस्तों कि ये जो हमारा मनी बिल जो होता है ना, ये मनी बिल सिर्फ और सिर्फ क्या होता है लोकसभा में ही ये हमारा पारित किया जाता है, लोकसभा में ही इसको हम क्या करते हैं पारित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं होता है। यहां से बात करते हैं मनी बिल के बारे में। अ बिल इज सेड टू बी मनी बिल इफ इट ओनली कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्सेशन। देखिए मनी बिल को मनी बिल तब बोलते हैं जब जैसे हमारा रिलेट किससे है टैक्सेशन से है, बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जो हम मनी बोरो कर उससे है, एक्सपेंडिचर फ्रॉम और रिसिप्ट टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या तो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को हम रिसिप्ट कर रहे हैं या उससे एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं, तो इस सबसे जो रिलेटेड बिल होता है उसको मनी बिल बोलते हैं। बिल दैट ओनली कंटेन्स प्रोविजन दैट आर इंसिडेंट ऑफ द मैटर्स वुड ऑल्सो बी रिगार्डेड एज, इस तरीके के मैटर में ये सब जो हमारा मैटर जो इंक्लूड होता है, जो कि हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, जो बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट हो गया या टैक्सेशन से रिलेटेड हो गया, इस तरीके का बिल को हम क्या बोलते हैं मनी बिल बोलते हैं। By which bill does the government makes arrangement for the collection of revenue for a year? कहने का मतलब है कि किस बिल के द्वारा क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जो है हमारा अरेंजमेंट करता है हमारा रिवेन्यू का कलेक्शन के लिए एक साल में, तो इस तरीके का जो हमारा बिल जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं फाइनेंस बिल बोलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रांट्स और एडवांसेस मेड बाई द हाउस टू इनेबल द गवर्नमेंट टू कैरी ऑन अंटिल द
वोटिंग ऑफ द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स एंड पासिंग ऑफ द जनरल अप्रोप्रिएशन बिल इज कॉल्ड, इसको हम क्या कौन सा हम बिल बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है हमारा क्या है ना, वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है इसके बारे में हम क्या है ना समझते हैं। देखिए वोट ऑन अकाउंट क्या होता है कि वोट ऑन अकाउंट एक हमारा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो भी हमारा सत्ता में जो गवर्नमेंट है, इनकमबेंट जो गवर्नमेंट होता है, वो हमारा वोट प्राप्त करती है कहां से, पार्लियामेंट से, टू ड्रॉ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, जो हमारा क्या कंसोलिडेटेड फंड से मनी को ड्रॉ करती है, और जो इंडिया टू मीट द एक्सपेंसेस अंटिल इलेक्शन, जब तक कि डन नहीं होता है तो जो भी एक्सपेंसेस है उसको क्या करता है कंसोलिडेटेड फंड से क्या है प्राप्त करता है। तो इसको हम बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। बात करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ सम नेशनल इमरजेंसी और इन ऑर्डर टू कैरी आउट सम सेक्रेट मिशन, द गवर्नमेंट समटाइम्स रिक्वायर्स फंड्स बट मे नॉट गिव द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेंडिचर एस्टिमेट। देखिए क्या होता है कि नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है कि उसको क्या है कुछ सेक्रेट मिशन के लिए क्या चाहिए, मतलब क्या है उसको सेक्रेट मिशन के लिए एक्सपेंडिचर के लिए उसको क्या चाहिए, मनी चाहिए। तो गवर्नमेंट समटाइम रिक्वायर्स फंड, उनको क्या है कभी कभी क्या है फंड्स होता है, लेकिन इसका डिटेल क्या है वो हमारा सेक्रेट रहता है। गवर्नमेंट के लिए इसका डिटेल क्या रखना होता है, सेक्रेट रखना होता है। द हाउस ग्रांट सम लमसम फॉर दिस कॉल्ड, जो हमारा जो हाउस जो होती है वो ग्रांट करती है। देखिए लमसम जो होता है हमारा क्या होता है सिंगल पेमेंट, इसको हम बोलते हैं लमसम। तो इसका जो आपका है वोट ऑफ क्या ना क्रेडिट, वोट ऑफ क्रेडिट के थ्रू क्या करता है वो हमारा जो भी गवर्नमेंट को जो पैसा की जो जरूरत होती है, तो ये वोट ऑफ क्रेडिट के द्वारा हाउस क्या करती है ग्रांट करती है। तो यहां से देखिए कंटीजेंसी फंड के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं कि कंटीजेंसी फंड क्या होता है। देखिए कंटीजेंसी फंड इज हेंस अ फंड दैट इज डिजाइंड टू बी यूज्ड फॉर मीटिंग एनी अनफोर्सिन इमरजेंसी। देखिए कंटीजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जिसके लिए क्या होता है जो भी अनफोर्सिन अगर इमरजेंसी का जो मीटिंग होता है उसमें जो भी एक्सपेंडिचर जो खर्च होता है वो हमारा कंटीजेंसी फंड से होता है, एंड मे बी इधर इन कैश और लिक्विड एसेट, जो कि आपको कैश में हो या लिक्विड एसेट के फॉर्म में होता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू इनहेंस योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको इनहेंस करना, एंड प्रोटेक्ट योर फाइनेंशियल प्लान इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के केस में जो भी हमारा फाइनेंशियल प्लान है उसको क्या करना प्रोटेक्ट करना। तो कंटीजेंसी फंड का यूज कहाँ पे करते हैं, जो भी हमारा अनफोर्सिन इमरजेंसी मीटिंग जो बुलाए जाते हैं उसमें जो भी फंड की जरूरत होती है वो हमारा कंटीजेंसी फंड से ही आता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस द शेयर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर हैज बीन डिक्लाइन व्हाइल द शेयर्स ऑफ द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर हैव बीन इंक्रीज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फॉर दिस ट्रेंड सो दैट इंडियन इकोनॉमी इज पासिंग थ्रू द ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर से, देखिए पहले एग्रीकल्चर में ज्यादा हमारा डेवलपमेंट हुआ था लेकिन अब क्या हुआ धीरे धीरे डिक्लाइन होते चला जा रहा है, यानी एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ क्या हो रहा है शिफ्ट हो रहा है। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ करेक्ट पिक्चर ऑफ द शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया ओवर द ईयर्स, देखिए क्या इसमें आपको मैच कर रहा है उसके बारे में बात करना है। देखिए प्राइमरी सेक्टर स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मतलब क्या होता है कि एकदम रेस्ट पोजिशन, कहने का मतलब है कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो हमारा क्या वो रेस्ट पोजिशन पे है, सेकेंडरी सेक्टर हमारा क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, टर्शियरी सेक्टर हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें जो अगर हम बात करते हैं जो करेक्टली यहाँ पे बात पूछ रहा है तो करेक्टली बात पूछ रहा है तो यहाँ सेकेंडरी सेक्टर हमारा क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर इसमें बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, इसमें आपको बताना है कि कौन सा रॉन्गली मैच्ड। देखिए सेस के बारे में हम आपको पहला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन में ही बता चुके हैं कि पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज किया जाता है, वहां लिखा कंपलसरी लेवी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस फ्रॉम ऑल पर्सन, सभी पर्सन से क्या हुआ पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो हमारा मनी जो कलेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते थे सेस, बिल्कुल सही है रेट हमारा क्या अब कंपलसरी लेवी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द बेनिफिशियरी ऑफ अ पर्टिकुलर स्कीम, पर्टिकुलर स्कीम के लिए जो हमारा कंपलसरी जो हमारा जो मनी जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं रेट। कॉर्पोरेट टैक्स लेविड बाय कॉर्पोरेशन फॉर सिविक एमिनिटी, सो ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट आंसर। कॉर्पोरेशन टैक्स टैक्स लेविड एट द सेम टाइम एट ऑल, ये भी हमारा क्या हुआ करेक्ट है, तो ऑप्शन सी यहाँ इसका आंसर होगा, रॉन्गली आपको यहाँ पे बता रहा है तो सी हमारा क्या रॉन्गली मैच्ड है। अगर हम बात करें कॉर्पोरेशन टैक्स का तो क्या होता है, देखिए कॉर्पोरेशन टैक्स एक हमारा क्या हुआ डायरेक्ट टैक्स है जो कि इम्पोज्ड ऑन नेट इनकम, किस पे हमारा इम्पोज किया जाता है नेट इनकम पे इम्पोज किया जाता है या प्रॉफिट पे इम्पोज किया जाता है, जिसमें क्या हुआ कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरीके का जो कंपनी होते हैं उसमें एक कॉर्पोरेट टैक्स इम्पोज किया जाता है। द बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसका बेसिक एट्रीब्यूट क्या है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रूल एंड रेगुलेशन इज द बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
इफ द प्राइस ऑफ एन इनफीरियर गुड्स फॉल इट्स डिमांड, तो इसका हमारा क्या हुआ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनफीरियर गुड क्या होता है। देखिए इनफीरियर गुड क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। इनफीरियर गुड इज अ टाइप ऑफ गुड, एक ऐसा हमारा गुड का टाइप है व्हिच डिमांड डिक्लाइंस व्हेन द इनकम राइजेस। इससे कहने का मतलब है कि जब पहले जो लोग जो थे, या मान लीजिए कि एक आदमी है जिसका पहले का इनकम मान लीजिए कि कितना है हमारा, मान लीजिए कि 5000 हमारा क्या है इसका इनकम है, तो पहले के टाइम में क्या होते हैं हमारा क्या, मक्का का जो हमारा क्या होता है, मक्का का क्या करते थे, रोटी खाते थे। तो एक तरीके से हमारा 5000 जब इनकम था तो मक्का का रोटी खाते थे। अगर इससे ज्यादा इनकम मान लीजिए कि किसी का अगर हमारा 10000 हमारा क्या हुआ इनकम हुआ, तो ये क्या हुआ सीधे क्या हुआ, ये हमारा वीट पे हमारा आ गया। तो कहने का मतलब है कि दिस इज द इन्फीरियर गुड, यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही हमारा इसका प्राइस इंक्रीज हुआ, यानी लोग का जैसे इनकम इंक्रीज हुआ, वैसे ही इस मक्का का जो हमारा डिमांड जो है वो हमारा डिक्रीज हुआ। तो इस तरीके के गुड को हम क्या बोलते हैं, इन्फीरियर गुड बोलते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक मनी, देखिए ब्लैक मनी का जो हमारा एग्जिस्टेंस है उसके मेक्स द इकोनॉमी मोर कॉम्पिटेटिव, मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव, दिस इज द बी इज द करेक्ट, देखिए लेस इफेक्टिव बनाता है। बात करें मेन सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो है टैक्स से मिलता है, तो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हुआ एक तरीके से छोटा से बड़ा, स्मॉल टू हमारा क्या होता है हमारा लार्जर। तो देखिए सबसे कम टैक्स मिलता है एक्साइज ड्यूटी पे, 4 इज द करेक्ट, उसके बाद हमारा क्या होता है कस्टम पे मिलता है सेकंड, उसके बाद हमारा देखिए ये दोनों मिलाकर 51% हमारा क्या होता है शेयर इसको गवर्नमेंट को मिलता है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स मिलाकर। तो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे मिलता है, कॉर्पोरेट टैक्स हमारा क्या हुआ सेकंड हुआ। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात करते हैं कि द हाइएस्ट सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग कम्स फ्रॉम, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग में सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका हाउस होल्ड सेक्टर का सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एन अमाउंट गिवन बाई एन गवर्नमेंट एजेंसी और इवन प्राइवेट बॉडी टू इनकरेज अ पार्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे जो भी हमारा अमाउंट जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है किसी एजेंसी को या प्राइवेट बॉडी, जिससे कि क्या हो उसका पार्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या कर सके, इनकरेज कर सके, तो इसको हम बोलते हैं सब्सिडी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। तो ये हमारा क्या है 30 तक हमारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया, 20 क्वेश्चन हम इसमें लेकर आए थे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीरीज आएगा इकोनॉमिक पार्ट 10 के नाम से आएगा, उसमें हम फिर 20 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और जो भी हम छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट जो हम आपको डिस्कस करते हैं, आप बिल्कुल इसको क्या है देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि टाइम कम है और मैं सोचता हूँ कि क्वेश्चन के थ्रू ही आपको क्या कर सके, कॉन्सेप्ट को क्या है बता सके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इकोनॉमिक पार्ट 10 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।